तो आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के और एएलपी टेक्नीशियन रेलवे से संबंधित जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, मतलब आपको 25 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। इसमें आप खुद अपना टेस्ट कर सकते हैं आपको इसमें से कितना सही हो रहा है। 25 क्वेश्चन में से आपका जितना भी क्वेश्चन सही हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ 25 में से लगभग 20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं 25 में से 20 सही तो आप मतलब बाहर हैं, मतलब समझ लीजिए आप मेरिट के अंदर नहीं आ पाएंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज या ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया था गांधी जी ने। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में से किसी में गांधी जी नहीं गए, सिवाय दूसरे में, मतलब दूसरे केवल तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें केवल दूसरे में गांधी जी भाग लिए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर भाग लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय खिंचाव किस न्यूनतम होता है, मतलब कहाँ पे? तो वो होता है थर्मोस्फीयर में आपके पृथ्वी का गुरुत्वीय खिंचाव न्यूनतम होता है। अगला है इसमें थर्मोस्फीयर में, अगला है पृथ्वी के भूपरपट्टी क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सिलिका है। इसमें आप, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आप खुद अपना ट्राई कीजिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए जौ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न आपका, ये रबी की फसल है, गेहूं के साथ जौ, गेहूं जौ बोया जाता है, ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? साम्यवाद प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है, मतलब उपबंधित करते कौन सा नियम? तो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है, ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, विधानमंडल का मुख्य प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? तो होता है नियमों कानूनों को मतलब बनाना, नियम अधिनियमित करना, और न्यायपालिका होता है पालन करवाना उसका। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, यहीं पे जैन धर्म का सबसे बड़ा मतलब दक्षिण भारत में मतलब वो संघ भी है दक्षिण भारत का, और यहीं पे संलेखना द्वारा, उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे और अपने प्राण यहीं पे त्याग दिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी फर्म कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है तो फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाली कुल मजदूरी और वेतनों को क्या माना जाना चाहिए? तो होता है अंशतः नियत और अंशतः परिवर्तित लागत। या आप सोच के जरूर जवाब दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला है, ये RRB मतलब आया हुआ ये मतलब प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन है ये सब। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए जितने भी बड़े संस्थान हैं उन सभी की नियुक्ति, उन सभी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और राष्ट्रपति ज़्यादातर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? यह कथन है आपका, आप जरूर सोच के इसका जवाब, मतलब जितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप जरूर उसके जवाब दीजिए। देखिए इसमें चार ऑप्शन है, मैकियावेली, मैकाइवर, J.S. मिल और लास्की, तो ये आपका आंसर सही है बी नंबर। अगला प्रश्न है, लिलिएसी कुल का सदस्य जालिका रूपी शिरा विन्यास दर्शाता है, वह कौन सा है?
तो वो है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स लिलिएसी कुल का एक पौधा होता है, उसी का नाम है स्माइलेक्स, जिसमें जालिका रूपी मतलब सिरा विन्यास होता है, साफ साफ मतलब दिखाई देती है। अगला प्रश्न है यूफेनिक्स है, तो यूफेनिक्स देखिए, यूफेनिक्स अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष नहीं, ये नहीं, यूफेनिक्स है आपका अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष अनुवांशिक, हाँ जी बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका एरोनियोलॉजी है, तो एरोनियोलॉजी है मकड़ियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है कार्पस लूटियस का मतलब संबंधित क्या क्या है, कार्पस लूटियस क्या, देखिए तो कार्पस लूटियस एक हार्मोन है, हार्मोन का नाम है, जिसे पोजेस्ट्रॉन कहते हैं, भी कहते हैं मतलब। अगला प्रश्न आपका नरलिंग हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरॉन नरलिंगी हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन थोड़े एजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब मादा लिंगी स्त्री मतलब फीमेल हार्मोन्स हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो देखिए बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आपका बर्मा का नया नाम म्यांमार है, इसकी राजधानी क्या है, देखिए उसकी राजधानी रंगून थी कब, जब वो बर्मा था, लेकिन जब म्यांमार हो गया तो उसकी राजधानी का नाम भी चेंज हो गया, नेफाइडो नेफिदा ऐसे कुछ करके नाम है। पहला ऑप्शन ए नंबर सही आपका। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में अपने प्राण संलेखना द्वारा श्रवण बेलगोला में त्याग दिए थे, तो ये आपका आंसर है, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो है ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा, वैसे तो अशोक के शिलालेख कई लिपियों में लिखे गए हैं लेकिन ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक के नाम से जानी जाती है, तो है आपका चैड झील, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है चैड झील, उसका नाम चैड झील है। अगला प्रश्न आपका सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन किस दिशा की ओर उड़ती है, तो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर उड़ती है, मतलब आपका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न आपका व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है, तो है अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका अन्नामुंडी शिखर, यहाँ अन्नामुंडी शिखर कहाँ स्थित है मतलब, तो देखिए तीन ही ऑप्शन दिया है, इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन अगर इन तीनों में से कहें तो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, और अगर आपका चौथा ऑप्शन हो तो ज़्यादा सटीक आंसर होगा आपका, तो चौथा ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो आप यहाँ इसमें नीलगिरी पहाड़ियाँ टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका मतलब कितने सही हुए हैं, ये देखिए आंसर शीट है, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा, और इसका आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपके पास वीडियो तुरंत पहुँच जाए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर सबसे ज़्यादा कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।